हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टून क्लैश हिंदी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्राइमल ग्राउडॉन वर्सेस प्राइमल कायोगरी की, इस फाइट का विनर कौन होगा, क्योंकि दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक हैं और एक दूसरे के बेस्ट राइवल्स भी हैं। तो इन दोनों में विनर डिसाइड करने के लिए हम इन दोनों की पावर्स, एबिलिटीज, सिग्नेचर अटैक्स और इन दोनों की वीकनेसेस को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। अगर मेगारेक्विजा बीच में नहीं आता तो इन दोनों की फाइट का विनर कौन होता। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं प्राइमल ग्राउडॉन से। तो प्राइमल ग्राउडॉन एक डुअल टाइप यानी कि ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन है और प्राइमल ग्राउडॉन अब तक का सबसे ताकतवर ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन है। प्राइमल ग्राउडॉन की पावर्स की बात करें तो प्राइमल ग्राउडॉन लैंड को कंट्रोल कर सकता है, ये जमीन को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। प्राइमल ग्राउडॉन का वल्केनोस पर भी फुल कंट्रोल है और प्राइमल ग्राउडॉन जहाँ पर भी कदम रखता है अपनी लावा के कारण वो वहाँ पर ज़मीन बना देता है और इसीलिए ये समुद्र में भी लावा लेकर आ गया था। प्राइमल ग्राउडॉन चाहे तो किसी भी वल्केनो को कहीं पर भी इरप्ट करा सकता है और ये ज़मीन को किसी भी तरह से बना सकता है। और प्राइमल ग्राउडॉन की एबिलिटी की बात करते हैं, इसकी एबिलिटी है डिसोलेट लैंड एबिलिटी। डिसोलेट लैंड एबिलिटी में ये वेदर को अफेक्ट करेगा यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनलाइट लेकर आ जाएगा और ये किसी भी वाटर टाइप अटैक को नलीफाई कर देगा, यानी कि अब इस पर वाटर टाइप अटैक का कोई भी असर नहीं होगा चाहे कितने भी वाटर टाइप अटैक्स इस पर आजमा लिए जाएं। तो यहाँ पर प्राइमल ग्राउडॉन अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को भी ओवरकम कर सकता है अपनी डिसोलेट लैंड एबिलिटी के कारण, क्योंकि वो वाटर टाइप से 4 times वीकर था। प्राइमल ग्राउडॉन हर तरह से लावा को भी कंट्रोल कर सकता है और कहीं पर भी लावा ला सकता है। प्राइमल ग्राउडॉन का सिग्नेचर अटैक है प्रिंसिपल ब्लेड्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और प्राइमल ग्राउडॉन का प्रिंसिपल ब्लेड्स अब तक का सबसे ताकतवर ग्राउंड टाइप अटैक है। और प्राइमल ग्राउडॉन की वीकनेस की बात करें तो यहाँ पर प्राइमल ग्राउडॉन वाटर टाइप से 4 times वीकर है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्राइमल ग्राउडॉन डिसोलेट लैंड एबिलिटी के कारण वाटर टाइप अटैक्स को नलीफाई कर देता है। तो यहाँ पर प्राइमल ग्राउडॉन अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पर भी ओवरकम कर लेता है। तो यहाँ पर प्राइमल ग्राउडॉन की लगभग कोई भी वीकनेस नहीं, क्योंकि जहाँ प्राइमल ग्राउडॉन ग्राउंड टाइप से 2 times वीकर है तो प्राइमल ग्राउडॉन ग्राउंड को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो अब बात करते हैं प्राइमल कायोगरी के बारे में। तो प्राइमल कायोगरी एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है और अब तक का सबसे ताकतवर वाटर टाइप पोकेमॉन है। प्राइमल कायोगरी की पावर्स के बारे में जाने तो प्राइमल कायोगरी कहीं पर भी बारिश ला सकता है और कितनी भी तेज बारिश ला सकता है। प्राइमल कायोगरी का बारिश पे फुल कंट्रोल है। प्राइमल कायोगरी एक बहुत ही तेज तूफान भी ला सकता है जिसमें सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्राइमल कायोगरी का पानी पे फुल कंट्रोल है, यह पानी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। प्राइमल कायोगरी चाहे तो समुद्र के अंदर जाके समुद्र के अंदर भी बवंडर बना सकता है। तो इस पावर से प्राइमल कायोगरी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और अगर प्राइमल कायोगरी की एबिलिटी के बारे में जाने तो प्राइमल कायोगरी की एबिलिटी है प्राइमोडियल सी। प्राइमोडियल सी एबिलिटी में प्राइमल कायोगरी वेदर को अफेक्ट करेगा, यानी कि ये एक बहुत ही तेज बारिश ला देगा और प्राइमल कायोगरी प्राइमोडियल सी एबिलिटी में किसी भी फायर टाइप अटैक को नलीफाई करेगा, यानी कि अब कोई सही फायर टाइप अटैक प्राइमल कायोगरी पर यूज हो जाए उसका प्राइमल कायोगरी पर कोई भी असर नहीं होगा। प्राइमल कायोगरी का सिग्नेचर अटैक है ओरिजिन पल्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है और बहुत पावरफुल भी। और प्राइमल कायोगरी का ओरिजिन पल्स अब तक का सबसे ताकतवर वाटर टाइप अटैक है। प्राइमल कायोगरी के पास एडवांटेजेबल अटैक्स भी हैं, जैसे कि एक्वारिंग। एक्वारिंग में वो हर एक टर्न में अपनी थोड़ी थोड़ी एचपी को रीगेन करता रहता है। तो अब इतनी सारी पावर्स के साथ प्राइमल कायोगरी एक अल्टीमेट पोकेमॉन तो जरूर बनता है। और अगर प्राइमल कायोगरी की वीकनेसेस के बारे में बात करें तो प्राइमल कायोगरी वीक है ग्रास टाइप अटैक से और इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से। तो अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे डिसीजन की तरफ कि इन दोनों की फाइट का विनर कौन है, दोनों के बैटल में कौन जीतेगा, इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन कहूँ तो मेरे हिसाब से इन दोनों के बैटल का विनर प्राइमल ग्राउडॉन होगा। और सबसे बड़ा कारण है प्राइमल ग्राउडॉन की एबिलिटी। प्राइमल ग्राउडॉन की एबिलिटी है डिसोलेट लैंड एबिलिटी, जिसमें वो वेदर को अफेक्ट करेगा और वो किसी भी वाटर टाइप अटैक को नलीफाई कर देगा। और यहाँ पर वाटर टाइप अटैक्स को नलीफाई करने के कारण प्राइमल ग्राउडॉन पर कोई सही वाटर टाइप अटैक इस्तेमाल हो जाए इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमल कायोगरी का सबसे पावरफुल अटैक है ओरिजिन पल्स, जो कि एक वाटर टाइप अटैक है। तो प्राइमल कायोगरी अपनी ओरिजिन पल्स से प्राइमल ग्राउडॉन को खरोंच तक नहीं पहुँचा सकता है। और अगर प्राइमल कायोगरी की एबिलिटी के बारे में जाने तो प्राइमल कायोगरी की एबिलिटी है प्राइमोडियल सी। प्राइमोडियल सी एबिलिटी में प्राइमल कायोगरी वेदर को अफेक्ट करेगा और किसी भी फायर टाइप अटैक को नलीफाई कर देगा। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ फायर टाइप अटैक्स को नलीफाई करेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमल ग्राउडॉन का सबसे पावरफुल अटैक एक ग्राउंड टाइप अटैक है और वो है प्रिंसिपल ब्लेड्स। तो यहाँ पर प्राइमल ग्राउडॉन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है प्राइमल कायोगरी के खिलाफ।
और जिन लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जानबूझकर प्राइमल ग्राउडॉन को जिता रहा हूँ, तो यह सबूत तुम्हारे सामने है। अभी तुम स्क्रीन पर देख पाओगे कि जब प्राइमल कागरे अपनी ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करता है तब प्राइमल ग्राउडॉन को वो खरोंच तक नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन जैसे ही प्राइमल ग्राउडॉन अपनी प्रिंसिपल ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है तब वो प्राइमल कागरे पर एक सुपर इफेक्टिव डैमेज देता है। यहाँ प्राइमल कागरे ने अपनी ओरिजिन पल्स इस्तेमाल की जहाँ ग्राउडॉन 4 times वीकर था, बट फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, और अब प्राइमल ग्राउडॉन ने अपनी प्रिंसिपल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पर उसने प्राइमल कागरे को सुपर इफेक्टिव डैमेज दिया है। तो यार, अब तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैंने क्यों यहाँ पर प्राइमल ग्राउडॉन को ज़्यादा बेहतर समझा और यहाँ पर मैंने क्यों प्राइमल ग्राउडॉन को विनर बताया है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों की बैटल का विनर प्राइमल ग्राउडॉन ही होगा। और यार, अगर मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो जब भी इन दोनों की एनिमे में कभी फाइट हुई है, चाहे ये दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में रहे या अपने प्राइमल फॉर्म में रहे, ज़्यादातर अटैक्स तो ग्राउडॉन ही करते हैं और कैगरे एडवांटेज होने के बावजूद भी यहाँ पर ग्राउडॉन के सामने कमजोर पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों की बैटल का विनर हमेशा से प्राइमल ग्राउडॉन ही रहेगा। तो इस बैटल का विनर प्राइमल ग्राउडॉन होगा। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के ऑसम वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।